Hello students, now we will discuss about N-type semiconductors. Intrinsic semiconductor or extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor वो semiconductor होता है जिसमें एक ही type के atoms होते हैं. Extrinsic semiconductor वो semiconductor होते हैं जिसमें बाहर से कोई impurity मिलाई जाती है. तो n टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें हम कोई भी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देते हैं. जैसे मान लीजिए हमने फास्फोरस डाला, तो फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकन एटम से शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे. 4 एटम सिलिकॉन से शेयर कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा. इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल्स जो है केवल वो टेम्परेचर की वजह से जो बॉन्ड टूटेगा उसी की वजह से नंबर ऑफ होल्स होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूटने की वजह से भी होंगे, और एक फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा उसकी वजह से होगी. इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल से बहुत ज्यादा होगी, और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. थैंक यू.